हेलो फ्रेंड्स, आज ना मेरा स्कूल खुल गया है। विंटर ब्रेक्स गए मेरे और मैंने के लिए ब्रेकफास्ट खा लूं और हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं दोबारा स्कूल जा रही हूँ। आज से सभी का स्कूल ओपन हो गया है और मैं ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। गरम गरम दूध, एक बिस्किट और आलमंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे अभी हो रहा है मॉर्निंग और मॉर्निंग के टाइम पे मैं अभी सैमी को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि आज से सैमी का जो है विंटर ब्रेक वो फिनिश हो गया है, स्कूल ओपन हो गया है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी बारिश जो है बंद हो गई। रात भर बहुत ज़्यादा बारिश थी, शुक्र है कि अभी जो है ना बारिश बंद हो गई है, तो हम लोग इजीली वॉक करके स्कूल जा सकते हैं। और ये मैंने सैमी का स्कूल का बैकपैक रेडी कर लिया है। सैमी लंच लेके नहीं जाती है स्कूल में, क्योंकि लंच उसे स्कूल में मिलता है और इवनिंग स्नैक्स। और ब्रेकफास्ट मैंने उसका पैक कर दिया स्कूल के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने उसके लिए पैक किया है सैंडविच और एप्पल, और मिल्क वो अभी घर से पी के जा रही है। मैं सैमी का स्कूल का ब्रेकफास्ट पैक कर रही हूँ, क्योंकि सैमी स्कूल में जाके खाती है सैंडविच। और ये मैंने इसके लिए बनाया हुआ पीनट सैंडविच, और ये एप्पल, और ये इसका है एप्रन। उन लोगों को ये एप्रन यूज़ करना होता है जब वो लोग काम कर रहे होते स्कूल में अपना कलरिंग वगैरह। और ये मैंने डाल दिया इसके बैग में। खाना खाते हुए भी उन लोगों को यूज़ करना होता है एप्रन को। और सैमी का वाटर बॉटल स्कूल में रहता है, तो वाटर बॉटल मैंने डाला नहीं उसके बैग में, कि वो ये डाला है। मैं आज स्कूल से लेके आऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। उसका जो लंच होता है वो उसको स्कूल में ही मिलता है। लंच मैं इसलिए उसको नहीं देती हूँ, वो सीधा केवल मेरे साथ आके डिनर करती है लंच। और उसका इवनिंग स्नैक्स जो होता है वो उसको स्कूल में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है रूल है कि हम लोग घर से उसको टिफ़िन नहीं दे सकते। अगर घर से हम उसको टिफ़िन देंगे तो हमें उसको लंच टाइम में पिक करना पड़ेगा, और उसको घर से लंच खिला के फिर वापस उसको मुझे स्कूल में ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना हैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि उसका स्कूल जो है ना यहाँ से घर से वॉक करना पड़ता है 1 किलोमीटर, तो वो स्कूल में ही लंच करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको जाती हूँ भेजने के लिए स्कूल। मेरे टीचर मना करती है पहले एप्पल खाओ, क्योंकि फ्रूट हेल्दी होता है पहले खाने के लिए। और ये हो गई सैमी स्कूल के लिए रेडी। चल चल बैल भैया स्कूल की। और ये सैमी अपने स्कूल के पास पहुंच गई है और बेल बजा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है स्कूल की बेल वो ख़राब हो रखी है। इसके लिए मैंने जो है स्कूल में कॉल किया, फिर उन्होंने गेट ओपन किया। हैप्पी न्यू ईयर। और फिर उसकी सिस्टम टीचर वेट कर रही है सैमी के लिए। उसके बाद सैमी को छोड़ने के बाद मैं अभी निकल गई यहाँ से। अब मुझे यहाँ से जाना है सुपरमार्केट ग्रॉसरी करने के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का सुपरमार्केट। ये मेरे घर के पास में ही है, जस्ट 1 मिनट की दूरी पे मेरे घर के। और ये है लिडल सुपरमार्केट। मेरा कुछ कुछ सामान ख़त्म था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सामान लेते हुए जाऊँ यहाँ से। मैं आपको दिखाऊंगी आगे घर में जाके कि मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा यहाँ से। फ़िलहाल के लिए जस्ट मैं ऐसे यहाँ पे शूट कर रही हूँ।
बट मैंने ये सारे आइटम्स नहीं लिए, जस्ट मैं ऐसे चेक कर रही थी। मुझे सैमी के स्कूल के लिए कुछ फ्रूट्स चाहिए थे क्योंकि वो एवरीडे जो है ना एक फ्रूट लेके जाती है स्कूल में, और मोस्टली उसको एप्पल पसंद है तो मैं एप्पल ही लेती हूँ उसके लिए ज़्यादातर। मैंने ये वाला लिया 1.79 यूरो का, 1.5 किलो एप्पल। इसका साइज़ जो है ना एप्पल का वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है, तो बच्चे खा लेते हैं एक एप्पल एक बार में। हेलो दोस्तों, अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं सैमी के स्कूल से गई थी सुपरमार्केट, और सुपरमार्केट से मैं लेके आई सामान क्योंकि मेरा जो है ना ब्रेड वगैरह सब खत्म था। अब मैं जो है ब्रेकफास्ट करूँगी और एक किचन की विंडो मैं ओपन कर रही हूँ, और ये देखिए मैं कितना सारा सामान लेके आई। अभी मैं इसे जो है ना सेग्रीगेट करूँ। सामान लेके आई हूँ, अभी मेरा ब्रेड ख़त्म था तो मैं ब्रेड लेके आई। अभी फ़िलहाल मैं पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं इस सामान को जो है ना सेट करूँगी। Thank you.
फ्रेंड्स, मेरी चाय बनके रेडी हो गई है। अब मैं ऑमलेट बना रही हूँ और ऑमलेट मैं बनाऊंगी ये चीज़ वाला, नॉर्मल ऑमलेट नहीं, मुझे चीज़ वाला ऑमलेट पसंद है। तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना मोज़रेला चीज़ डालूंगी इसके ऊपर से, और साथ में डालूंगी ब्लैक पेपर। फ्रेंड्स, ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी घर में क्लीनिंग, और जो सामान लेके आई हूँ मैं ग्रॉसरी, उन सबको मैं सेट करूँगी और शावर लूँगी। अभी इस पर मैं ब्रेड पे जो है पीनट बटर लगा रही हूँ, मुझे पीनट बटर पसंद है। नॉर्मल बटर मैं यूज़ नहीं करती, वो केवल अगर कभी सैमी को चाहिए होता तो मैं सैमी के ब्रेड पर लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गई हूँ। अभी मैं बाकी के अपने काम निपटाऊंगी। जो मैं ग्रॉसरी लेके आई थी उसे मेरे को जो है उनकी जगह पे रखना है, और उसके बाद मुझे क्लीनिंग करना है। और मेरे लेटर बॉक्स में दो लेटर आए हुए थे तो मैं चेक करती हूँ, शायद इसमें से एक लेटर जो है ना सैमी के स्कूल का मील का बिल है। तो मैं देखती हूँ, क्योंकि वेकेशन पड़ा हुआ था तो शायद से आधे महीने का बिल होगा ये। इलेवन डेज का बिल आया है इसका। मैं फ्रेंड्स जो है ना सैमी के मील के लिए एक दिन का जो मील का है इसका वो है 1 euro 46 cents। तो इसका 16 डेज का बिल आया है, नॉट 16 डेज का नहीं, सॉरी 11 डेज का इसका बिल आया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रस का 1 euro 46 cents पर डे का मील का इसका, तो इसका 16 euro 6 cents आए 11 डेज का। और ये मुझे पे करना है 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है सबमिशन का। इसे जो है ना हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन से, जो बैंक का ऑनलाइन होता है उससे हम लोग पे कर सकते हैं, तो जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे इनके म्यूनसिपालिटी ऑफिस। मैंने आपको बताया था अगर हम लोग ये मील ऑप्शन नहीं लेंगे ना तो हमें बच्चों को जो है ना लेने के लिए जाना पड़ेगा स्कूल में, और उन्हें वापस घर पे लेके आना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें लंच करवा के वापस उन्हें छोड़ के आना पड़ेगा। और इसमें केवल 1 आवर का जो है ना ड्यूरेशन होता है, लंच आवर जो होता है 1 आवर में उनको लाना और वापस छोड़ना जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि स्कूल इतना पास भी नहीं है। और मैक्सिमम क्या मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब स्कूल में ही लंच करते हैं, घर पे नहीं आते, क्योंकि सबके पेरेंट्स वर्किंग है तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और इनके स्कूल यहाँ पे होते भी बहुत लंबे हैं। स्कूल जो होता है वो 9 से स्टार्ट होता है और इवनिंग में 5:30 पे ख़त्म होता है। मतलब कई बार वैसे स्कूल ख़त्म हो जाता है 3:20 पे इवनिंग में, बट इनकी जो है ना एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, कभी म्यूज़िक क्लास होता है, कभी डांस क्लास होता है, कभी एक्टिंग क्लास, थिएटर्स, ये सब होता है इनका। जैसे आज सैमी का जो है ना वो है म्यूज़िक क्लास आज का, तो उसका जो क्लास स्टार्ट होगा वो इवनिंग में स्टार्ट होगा 4:00 पे और फिनिश होगा 5:15 पे, तो उसके बाद ही मैं इसको लेने के लिए जा सकती हूँ स्कूल में। तो एवरी डे उनका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होता ही है स्कूल में, और ये सब जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि ये जो है पब्लिक स्कूल है, तो पब्लिक स्कूल में हमें कुछ भी फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा। बस केवल ये है कि जो मील का जो है वही मील का हम लोग पे करते हैं।
और ऐसा मैक्सिमम जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ में, मैक्सिमम सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पब्लिक स्कूल्स हैं ना वो फ्री है, उसमें कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, कोई फीस नहीं कुछ नहीं। और इनकी क्लास में क्या होता है, 3 साल से और 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना वो एक ही क्लास में होते हैं। जब वो 6 साल के पूरे हो जाते हैं ना तो 6 साल के बाद उनको ग्रेड 1 में डालते हैं, मतलब 3 से 6 साल के बच्चे एक ही क्लास में चलेंगे वो 3 साल तक। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जैसे इंडिया में होता है, नर्सरी KG 1 KG 2 ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे एक ही क्लास में पढ़ाई करते हैं। ये लोग पढ़ाई क्या करते हैं, इन लोगों को जो है ना सारी एक्टिविटी सिखाई जाती है स्कूल में, अब इनको लिखना वगैरह ऐसा कुछ नहीं सिखाते, इनको लिखना जो सिखाएंगे ना वो ग्रेड 1 में जाके सिखाएंगे। अभी सैमी जो है ना किंडरगार्टन में ही है, तो इस साल सैमी 6 साल की होगी, तो उसके बाद वो सितंबर से जाएगी ग्रेड 1 में। आई होप आपको जो ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना होंगे ना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपका जो है क्वेश्चंस का आंसर करने का ट्राई करूँगी अगर मुझे मालूम होगा तो। अभी मैं जो है ना जो सामान लेके आई ग्रॉसरी, मैं उसको सेग्रीगेट करती हूँ और उसको उनकी जगह पर रखती हूँ। उसके बाद मुझे क्लीनिंग करना है, वैक्यूम मारना है घर में और शावर भी लेना है। आज थैंकफुली जो है बारिश नहीं है बाहर, वेदर सही है, धूप तो नहीं निकली है लेकिन एटलीस्ट बारिश नहीं है, क्योंकि रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। चलिए मैं जाती हूँ किचन की ओर। ये सब मैं ग्रॉसरी लेके आई थी अभी, और ये लेके आई थी मैं, ये वाइट कपड़ों के लिए होता है जैसे मार्क्स वगैरह पड़ जाते हैं, तो जैसे इंडिया में होता है ना वैनिश, वैसे ही है यहाँ पे ये फॉर्मल। पता नहीं ये कैसे लीक कर गया, मेरे टमाटो के प्लास्टिक पे सारा लग गया, मुझे चेंज करना पड़ेगा प्लास्टिक, और टमाटो अच्छे से वॉश करने पड़ेंगे, मेरे हाथ पे भी लग गया, नहीं कहाँ से लीक कर गया। मैं ये लेके आई हूँ क्योंकि सैमी जो है ना अपने बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे कर दिए स्कूल में, हमेशा जब देखो कलर्स वगैरह से कुछ ना कुछ लगा रहता है उसके कपड़ों पे। और मैं शिमला मिर्च, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ये सैमी को बहुत पसंद है सैंडविच में डाल के खाने के लिए, वैसे तो वो नहीं खाएगी वैसी सब्जी लेकिन अगर मैं सैंडविच में डाल के दूँगी तो खा लेती है। ये सैमी के लिए है छोटे वाले क्रोसॉन्स स्कूल ले जाने के लिए। ये है ब्लैक ग्रेप्स, 250-500 ग्राम है, ये मैं लेके आई हूँ 2.5 यूरो के, मतलब आधा किलो ऑलमोस्ट इंडिया के जो है ये बनेंगे 240 रुपीज और समथिंग आधा किलो। ये 1.5 किलो मैं एप्पल लेके आई हूँ, ये भी होंगे 160-170 रुपीज के इंडिया के। ये जो एप्पल के साइज़ देखोगे बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं खा पाएंगे लेकिन ये साइज़ बच्चों के लिए परफेक्ट होता है, फिनिश कर लेते आराम से। ये अदरक लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है यूरोप में, तो हमें अदरक चाहिए होता है हर खाने में और चाय वगैरह में, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। और ये मैं लेके आई हूँ गोभी छोटा सा, कि जड़ा जब ज़्यादा बड़ा गोभी होगा तो फिर वो जो है ना खाने बार बार खाया नहीं जाता, इसके लिए छोटा साइज का लेके आई मैं। ये 200 ग्राम काजू लेके आई हूँ मैं, ये बादाम लेके आई 200 ग्राम का पैकेट, और ये ब्रेड लेके आई हूँ, इसमें 25 स्लाइसेस हैं 700 ग्राम, और ये है 180 रुपीज़ का इंडिया के ये ब्रेड। और ये क्लीनिंग क्लोथ है, ये माइक्रोफाइबर क्लोथ विंडोज़ वगैरह क्लीन करने के लिए। और ये टमाटो जिसपे कि वो लिक्विड लग गया है, ये वॉश करूँगी अच्छे से इसको, और फिर इसको दूसरे प्लास्टिक में शिफ्ट करूँगी।
तो फ्रेंड्स ये सारा ग्रॉसरी था मेरा जो कि इंडियन रुपीज़ में मुझे पड़ा 1800 रुपीज़ का, इतना सा ग्रॉसरी। और अभी मुझे और लेके आना है वीकेंड पे। ये मेरा आधा ग्रॉसरी है, मुझे चिकन और मिल्क वगैरह वो सब लेके आना, वो मैं सैटरडे को लेके आऊँगी क्योंकि संडे को जो है ना हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा जो है ना और सामान भी लेके आना है कुकिंग के लिए। चलिए मैं इसको वॉश करती हूँ, उसके बाद में आगे का वीडियो दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरी अलमीरा के अंदर जो है ना फंगस लग गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, इसकी वजह से जो है यहाँ पे चीज़ों पर फंगस लगने लग जाता है। और एक कॉर्नर में जो है ना पूरा फंगस लगा हुआ है, मुझे इसमें मेडिसिन स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि ये फैल जाएगा वरना। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है यूरोप में, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उसके बाद चीज़ों पर फंगस लगने लग जाता है, इवन कपड़ों पर भी फंगस लगने लग जाता है अगर बेड के अंदर कपड़े पड़े हुए और धूप नहीं लग रही है काफ़ी दिन से कपड़ों पर। तो मैं इस पर जो है ना बस पड़ा हुआ है मोल्ड के लिए स्प्रे रिमूव। ये पूरा नीचे लगा हुआ है। मुझे चेक करना पड़ेगा अलमारी के अंदर किसी और कॉर्नर पर नहीं लगा हुआ फंगस। देखती हूँ मैंने कितना गंदा करा हुआ है, पूरा कलर लगाया हुआ है स्लीव्स में। इसके लिए मैं वो स्प्रे लेके आई हूँ, ट्राई करती हूँ निकलेगा नहीं निकलेगा उस स्प्रे से, पूरा का पूरा कलर लगा हुआ है इसमें स्लीव्स में। चलो देखते हैं निकलता नहीं निकलता। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ उसको यहाँ पे, वरना मैं हमेशा वैनिश ट्राई करती हूँ। इसमें लिखा हुआ है जो है ना इसको 1 मिनट से 5 मिनट तक जो है ना लगा के रखना पड़ेगा, छोड़ के रखना पड़ेगा कपड़े पे, और अगर नहीं निकला एक बार में तो फिर वापस से अप्लाई करना पड़ेगा सेकंड टाइम कलर निकालने के लिए। चलो मैं देखती हूँ कैसे करना है। पूरा स्लीव्स गंदा किया हुआ है पूरी तरह। इसे मैं लगा के छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के बाद चेक करती हूँ जब तक मैं वैक्यूम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मेरी बेडशीट जो है वो सूखी नहीं, 3 दिन से ऐसी पड़ी हुई है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैंने जो है ना उसको हीट वाला जो है यूज़ नहीं किया ड्रायर, मैंने उसको जस्ट वॉश किया जैसे नॉर्मल हम करते हैं इंडिया में, अभी तक सूखा नहीं है। आज देखती हूँ मैं अभी इसको बाहर थोड़ा डालती हूँ क्योंकि बाहर बारिश नहीं हो रही है पर धूप भी नहीं है, क्या पता थोड़ा हवा से जो है ना सूख जाए। अब मैं फ्रेंड्स जो है रूम क्लीन करती हूँ और वैक्यूम मारूंगी मैं रूम में, मैं मोप नहीं करूँगी क्योंकि बारिश हो रही है और वो ड्राई नहीं हो रहा जल्दी से फ्लोर, तो केवल मैं उसमें वैक्यूम मार के क्लीन कर दूंगी घर को। चेक करती हूँ निकला भी निकला।
ये तो पूरी तरह तो नहीं निकला, इस वाले से तो निकला, लेकिन आप देख सकते हो थोड़ा हल्का हो गया है। ये वाला यस, थोड़ा बचा हुआ है अभी भी, इसको जो है ना वापस सप्लाई करना पड़ेगा शायद। इस पे भी थोड़ा रह रहा है, इसको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी लगा था ये। ये तो निकल गया, ये हल्का था, इस पे दोबारा लगाना पड़ेगा, नहीं निकला ढंग से, अभी भी निशान पड़ा हुआ है। बट मैंने जो मोल्ड का स्प्रे किया था ना, उसकी वजह से मेरे कपड़े ख़राब हो गए। अभी स्प्रे किया था ना मोल्ड के लिए अलमीरा के अंदर, वो स्प्रे हल्का सा मेरे कपड़ों पे गिर गया और मेरे कपड़ों का कलर जो है ना फेड हो गया। ये नया का नया मेरा स्वेटशर्ट था और नया पजामा, देखिए इसका कलर पूरा का पूरा फेड हो गया, क्योंकि वो जो होता है ना ब्लीच होता है और कपड़ों पे। और ये लास्ट ईयर भी मेरे जो है ना 2-3 पेयर्स ख़राब हो गए थे कपड़ों के, यहाँ पे भी गिर गया और ये भी गिर गया, नया का नया मेरा ख़राब हो गया कपड़े। नेक्स्ट टाइम जो है ना मुझे घर के कपड़े पहन के और फिर करना पड़ेगा स्प्रे जो पुराने कपड़े में। चलिए मैं अभी जो है ना, अब मैं शावर ले लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखिए मैंने अभी कपड़े सुखाए थे और अभी बारिश स्टार्ट हो गई, मुझे वापस अंदर लेके आना पड़ा इन कपड़ों को। हल्की हल्का हल्का जो है ना कपड़ों में बारिश का पानी भी गिर गया है, पता नहीं ये कब सूखेंगे अब। ये देखिए कंटिन्यूसली बारिश हो रही है बाहर। मैंने शावर भी ले लिया है और अपने हेयर भी ड्राई कर लिए हैं। एक बार मैं सैमी का ये जो है ना स्वेटशर्ट देख लेती हूँ कि इसमें से जो है कलर इसका निकला या नहीं निकला। वैसे तो बहुत अच्छा लगा मुझे फॉर्मल, क्योंकि काफ़ी हद तक उसने जो है ना कलर निकाल दिया उसमें से। इसको मैं जो है ना हैंड से वॉश नहीं करूँगी, इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि ये ड्राई नहीं होगा। बस कलर निकालने के लिए मैंने इसको गीला किया है, इसके स्लीव्स। आप देख सकते हो कितने अच्छे से जो है ना उसने निकाल दिया है, साफ़ हो गया काफ़ी। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये फॉर्मल, मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास वैनिश था, मैं लेके आई थी वैनिश इंडिया से। ये मुझे वैनिश से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वैनिश का मेरे पास पाउडर वाला वो था, तो वो पहले पाउडर लगा के छोड़ के रखना पड़ता था, ये सही है लिक्विड है ये, और उसने क्लीन कर दिया देखिए। ऐसे वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी धोने के लिए। मैं जो है ना अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना 1:15 हो गया है। दिखाती हूँ टाइम, यहाँ पे दिन का 1:15 बज रहा है और मेरे को जो है ना अभी लंच भी बनाना है। लंच बनाने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी और अपना थोड़ा काम करूँगी, और उसके बाद मेरे को शाम को सैमी को लेने के लिए भी जाना है 5 बजे। तो फ्रेंड्स मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। थैंक यू, बाय बाय।